In this question, a current I flows along a frame in form of a square loop with side A. Find the magnetic flux through the half plane P whose boundary O dash is at a distance B from the nearest side of the frame. Half plane P and frame lie in the same plane. तो इस क्वेश्चन के अंदर ये स्क्वायर लूप है और इस स्क्वायर लूप के प्लेन में यहाँ पर ये एक इनफाइनाइट प्लेन है. इसको हम कुछ ऐसे भी अज्यूम कर सकते हैं कि सपोज ये वाई एक्सिस है और एक लूप यहाँ पे रखा हुआ है. दिस इज सपोज एक्स एक्सिस और ये डिस्टेंस बी और इसके जो साइड लेंथ है वो ए के इक्वल और इसमें करंट फ्लो हो रहा है. तो इस लूप की वजह से वाई एक्सिस के इधर का ये जो रीजन है तो यहाँ से लेकर के माइनस इन्फिनिटी एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो से लेके माइनस इन्फिनिटी तक कितना फ्लक्स इस पूरे प्लेन के अंदर कितना फ्लक्स होगा ये कैलकुलेट करना है. इस क्वेश्चन को करने के लिए ऑब्वियसली कि इसके वजह से हम मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे इजीली और मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करके फिर फ्लक्स निकालना तो ये बहुत ही डिफ़िकल्ट हो सकता है. इसमें जो कंसेप्ट हम यूज़ करेंगे फ्लक्स कैलकुलेट करने के लिए वो होगा म्यूचुअल इंडक्टेंस. तो म्यूचुअल इंडक्टेंस के कंसेप्ट का यूज़ करके बहुत ईजिली इसको कैलकुलेट किया जा सकता है. तो इसके लिए अज्यूम कर लेते हैं कि वाई एक्सिस के अलोंग एक इनफाइनाइट वायर है ये और ऑब्वियसली कि इनफाइनाइट वायर है तो यहाँ पर एक इनफाइनाइट लूप के अंदर होगा यहाँ पर ये. तो सपोज एक इनफाइनाइट टाइप का लूप है जो कि इनफाइनाइटली एक्सटेंड कर रहा है. तो ये जो वायर है इस वायर में करंट सपोज आई डेस के इक्वल है और यही करंट इस पूरे लूप में होगा यहाँ पे. लेकिन क्योंकि ये जो साइड है ये साइड इनफाइनाइट डिस्टेंस पे होगी तो इसके वजह से कोई मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे आएगा नहीं. इसके वजह से भी कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं आएगा, इसके वजह से भी कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं आएगा. तो मैं इस लूप और इस लूप का म्यूचुअल इंडक्टेंस निकाल लेता हूँ और म्यूचुअल इंडक्टेंस चाहे इसकी वजह से इसमें कैलकुलेट किया जाए चाहे इसकी वजह से इसमें कैलकुलेट किया जाए, म्यूचुअल इंडक्टेंस दोनों तरीके से इक्वल आता है. तो मैं इसकी वजह से इसमें फ्लक्स कैलकुलेट करूँगा और फ्लक्स को इस करंट से डिवाइड कर दूँगा तो म्यूचुअल इंडक्टेंस आ जाएगा. तो इसकी वजह से इसमें कितना फ्लक्स पास हो रहा है उसके लिए सपोज़ यहाँ से एक्स डिस्टेंस पे गए और ये स्ट्रिप कट कर लिया dx, इस स्ट्रिप में कितना फ्लक्स पास हो रहा है वो कैलकुलेट कर लेते हैं d phi. तो इसके वजह से यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो होगा म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई एक्स और इसका जो एरिया होगा वो एरिया होगा ए dx. इंटीग्रेट x की लिमिट स्टार्टिंग फ्रॉम b टू a प्लस बी. इससे फ्लक्स ये आई डेस है, जो फ्लक्स आएगा वो आएगा म्यू नॉट आई डेस डिवाइडेड बाय 2 पाई इन टू ए डी एक्स बाई एक्स. तो एल एन एक्स हो जाएगा, एल एन एक्स जब लिमिट रखेंगे तो एल एन ए प्लस बी बाई बी. तो म्यूचुअल इंडक्टेंस के डेफिनेशन से म्यूचुअल इंडक्टेंस तो इसमें हमने फ्लक्स कैलकुलेट किया इस करंट की वजह से तो फ्लक्स डिवाइडेड बाई आई डेस. तो म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू हो जाएगी मी नॉट ए अपॉन टू पाई एल एन ए प्लस बी बाई बी. तो म्यूचुअल इंडक्टेंस कैलकुलेट करने के बाद में अब इस लूप की वजह से मैं इसमें फ्लक्स कैलकुलेट कर सकता हूँ कि इस लूप के अंदर फ्लक्स कितना होगा. तो फ्लक्स की कैलकुलेशन करने के लिए तो फ्लक्स इन दिस लूप मैं इनको नाम देता हूँ सपोज दिस नंबर वन दिस इज नंबर टू. तो फ्लक्स इन लूप नंबर टू इज इक्वल टू म्यूचुअल इंडक्टेंस मल्टीप्लाइड बाय करंट इन द लूप नंबर वन दिस इज आई. तो म्यूचुअल इंडक्टेंस हमने कैलकुलेट कर रखा है वो रख देंगे यहाँ पे. तो मी नॉट ए आई डिवाइड बाई टू पाई एल एन ए प्लस बी बाई बी. तो समटाइम्स ये जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट तरीके हैं इनसे भी फ्लक्स ईजिली कैलकुलेट किया जा सकता है. डायरेक्ट कैलकुलेशन डेफिनेटली ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल कैलकुलेशन है कि यहाँ पर हम फ्लक्स कैलकुलेट कर पाएँ, लेकिन म्यूचुअल इंडक्टेंस का कंसेप्ट यूज़ करते हुए वी कैन ईजिली फाइंड द फ्लक्स फ्रॉम दिस इनफाइनाइट प्लेन.